आपने इंसानों के इलाज के लिए तो एम्बुलेंस चलती देखी होगी, आपने पशुओं के उपचार के लिए भी एम्बुलेंस सेवा देखी होगी, लेकिन कभी ऐसा सुना है कि पेड़ पौधों के इलाज के लिए भी एम्बुलेंस चलती हो? जी हाँ, मध्य प्रदेश में एक ऐसा शहर है जहाँ अब पेड़ पौधों के इलाज के लिए भी एम्बुलेंस चल रही है, और वो कोई और शहर नहीं बल्कि स्वच्छता में लगातार नंबर वन का तमगा हासिल करने वाला इंदौर शहर है। यह शहर केवल स्वच्छता में ही नहीं बल्कि पर्यावरण संरक्षण और एयर क्वालिटी को सुधारने के लिए भी लगातार कोशिशें कर रहा है। इन्हीं प्रयासों में से एक प्रयास अब पेड़ पौधों का संरक्षण भी शामिल हो गया है, जिसके लिए इंदौर नगर निगम ने एक नई पहल करते हुए ट्री एम्बुलेंस की शुरुआत कर दी है, जो लगातार शहर में पेड़ पौधों का इलाज कर रही है। आपने सामान्य तौर पर किसी एम्बुलेंस को काम करते हुए देखा होगा, जहां एम्बुलेंस का काम किसी मरीज को अस्पताल पहुंचाना या फिर मौके पर इलाज की सुविधा देना होता है। ठीक इसी तरह ये ट्री एम्बुलेंस काम करेगी, जहां पेड़ पौधों के नष्ट होने की शिकायत मिलने पर एम्बुलेंस पहुंचेगी और उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ पेड़ पौधों का इलाज करेगी। सीएम शिवराज ने भी इंदौर के इस कार्य की सराहना की है। मित्रों, प्रधानमंत्री जी सच कहते हैं कि इंदौर एक दौर है जो समय के आगे चलता है। इंदौर ने एक और नवाचार किया है, हमने मनुष्यों के लिए एम्बुलेंस देखी थी, पशुओं के इलाज के लिए भी एम्बुलेंस चली, लेकिन अब इंदौर में पेड़ों के इलाज के लिए ट्री एम्बुलेंस प्रारंभ हुई है। शहरों में सड़कों के किनारे बगीचों में अगर कोई पौधा बीमार होता है तो शहर में पौधों की देखभाल करेगी, कीटनाशक का छिड़काव करेगी और कॉल आने पर ये एम्बुलेंस पौधे का उपचार करने पहुंचती है। मैं इंदौर को इस नवाचार के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं, क्योंकि पेड़ भी अपने हैं, पेड़ है तो हम हैं। नगर निगम के उद्यान विभाग की ओर से शुरू की गई ट्री एम्बुलेंस पर अगर एक नजर डाले तो सर्व सुविधा युक्त इस ट्री एम्बुलेंस में उद्यानिकी विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम तैनात की गई है, साथ ही इसमें उद्यानिकी सहायक भी मौजूद रहेंगे। एम्बुलेंस में पेड़ पौधों की जानकारी रखने वाले विशेषज्ञ सेवाएं देते नजर आएंगे, साथ ही एम्बुलेंस में पेड़ पौधों के इलाज के लिए लगने वाली दवाइयां और कीटनाशक समेत तमाम तरह के संसाधन भी मौजूद रहेंगे। डेस्क रिपोर्ट, मुंबई महानगर।